दोस्तों स्वागत है आपका होम टापेस्ट्री चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 36 में आप बताऊंगा कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर अर्थात हाउ डू यू फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण आधार की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करने का कितना कांसेप्ट है, कौन कौन सा है और इस पर प्रश्न कैसे लगाएंगे हम सब बताऊंगा। ठीक, एक होता है स्टेवर्ट थ्योरम, उसको भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो ये जो आपका वीडियो है ट्रायंगल का 22वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22 ज्योमेट्री में। लेक्चर नंबर 15 से ट्रायंगल स्टार्ट है और सबका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाएंगे, जितना टॉपिक पढ़ाए हैं, जो चैप्टर पढ़ाए हैं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना है, आपको वहाँ खोजना नहीं पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। सुना कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रायंगल आपको बताया गया है। मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल मान लेता हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल, ये ठीक। अब यहां पर देखिए, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। अब हम मान लेता हूँ एक सामने वाला ए सेंटीमीटर भुजा है, बी के सामने वाला बी मान लेता हूँ और सी के सामने सी मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं यहाँ पे मानना चाहते तो वो भी मान सकते हैं। कौन दिखा दे, ठीक देख लो, अगर आप भैया इसे मानना चाहते हैं ए, इसे मानते बी, इसे मानते सी, कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक सामने वाला ए सेंटीमीटर, बी सामने वाला बी सेंटीमीटर और सी सामने वाला सी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आप पी की वार मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, ट्रायंगल का नामकरण कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका एक एंगल है, ये एंगल है, ये देख रहे हैं, ये भुजा इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भागों में बांट देती है और जो मिलती है वहां पर मैं डी ले लेता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यही है इसका कोण समझाया, अगर इधर थीटा बन रहा है इधर भी थीटा बनेगा, पिछले का बताए थे कोण समझाया, कोण अर्धक का मतलब यही होता है कि कोण को बराबर भागों में बांट देना, विभाजित कर देना, 50 अगर 25 कर देना, 30 है तो 15 कर देना, 60 है तो 30 कर देना, जो भी है उसका आधा आधा कर देना, ठीक है ना, इक्वल बांटना। अब यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये क्या है कोण अर्धक, यही है कोण अर्धक। आप कहेंगे सीडी की लंबाई, जो सी डी है यही कोण अर्धक है, इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ मान लेता हूँ जो काटने के बाद ये एम सेंटीमीटर है, ये एन सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये बी सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर, क्या लिख दूँ, और ये आपका स्मॉल एन सेंटीमीटर और ये बी सेंटीमीटर, ठीक ओके। देखिए आपको समझने के लिए हम लिख दिया उस सेंटीमीटर की। अब फॉर्मूला क्या है, अब यही लंबाई है सी डी, सी डी आपको नहीं पता, आप मान लीजिए कुछ मान लीजिए, आप हम मान लेता हूँ यक्स, क्या सेंटीमीटर, यक्स सेंटीमीटर, नहीं पता है तो हम यक्स सेंटीमान लिए, वाई सेंटीमीटर मान लो, जेड सेंटीमीटर, जो भी मानना हो मान लो, ओके। अब फार्मूला यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि यक्स स्क्वायर बराबर ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर बराबर ए गुणे बी यानी ए इंटू बी माइनस एम इंटू एन, यही कॉन्सेप्ट है भैया, यही है। इससे हम इस फार्मूले से कोण अर्धक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, कहेंगे जहां यक्स कोण अर्धक की लंबाई है, क्या है, लंबाई, ठीक, ये चीज। अब देखिए इसी को ओ आर आर इसी को हम कह सकता हूँ, इसी को हम लिख सकता हूँ कि यक्स इक्वल टू अंडर, अगर यहाँ से स्क्वायर रूट डाउंगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर डाउंगा तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, इस सब कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, हो जाएगा ए बी माइनस एम एन, ना नहीं, ये फार्मूला दोनों बात देखी है, अगर इस पर रखेंगे आपको डाटा आ जाएगा, यहाँ पर रखने के बाद फिर वही लेना पड़ेगा, बात वही,
ये है। अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे उसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक उसको भी बता दे रहा हूँ। इसके पहले देखिए, मान लीजिए यही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है, स्पेशल केस बता दे रहा हूँ, स्पेशल केस। अगर स्पेशल केस देखना चाहते हैं देख लीजिए, नहीं तो पहले इस पर क्वेश्चन देखिए फिर स्पेशल केस देखिए, जो कहो। अच्छा तो पहले इस पर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक पहले इस पर क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद बताएंगे आपको स्पेशल केस मतलब जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी अगर ए ए दोनों रहेगा तो कैसे रहेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या कॉन्सेप्ट। देखिए अब यहाँ पे हम देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ओके ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, देख लीजिएगा ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, सी है, ये ए ये बी। अब जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण को बराबर लागू हम बांट रहा है। ये मान लीजिए कितना, ये मान लेता हूँ हम, अगर इसे मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है, इसको डी मान लिए मैं, इसको मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसको 8 सेंटीमीटर, और इसे क्या मान लूँ, जो कहो 7 कर दें, जो भी कहो कर दें, बस यही ट्रायंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 5, 4, 9, 8, 17, यानी 17 से कम होना चाहिए बस, 5, 8, 9, 9, 8, 17 से कम होना चाहिए और इनके अंतर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कितना 14, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है कि ए डी बराबर क्या, ए डी बराबर क्या निकालेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे ना, तुरंत आप फार्मूला लगाएंगे, ओके तो यहाँ करेंगे आप ए डी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये तो है, यही ए डी है, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे ए डी यही यक्स, ही ए डी है, ए डी को हम यक्स मान लिए, क्या ए एक स्थान 14 है, बी का स्थान 8 है, 14 × 8 माइनस एम के स्थान 5 है, एम के स्थान 4 है, तो जाएगा 5 × 4। अब देखिएगा हम कर देंगे इसे 14 × 98 होता है, माइनस 5 × 20 होता है, ठीक। अब इसे घटा देंगे आप, घटाएंगे 98 से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 78 आ गया। अब 78 देखिए यही आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ए डी, ठीक है ना, ये तो इसे आप नोट करिए और क्वेश्चन देखता हूँ मैं, हो गया। अब मान लीजिए अगर हम 15 ले लेते तो हो जाता 15 × 8 = 120 और 5 × 120, ठीक है ना, 5 × 20 120 में से 20 घटाता 10 जाता, सुना है कि नहीं। मान लेते अगर यहाँ पे हम 14 ना लेकर 15 ले ले तो हो जाएगा क्या, 15 × 8 = 120 और 4 × 5 = 20, 120 में से 20 घटाएंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर यहाँ 15 रहेगा तो 14 रहेगा तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको बताएं कि जब डायरेक्ट ये दिया गया था, अगर केवल ये दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसके पहले जो कांस बताए थे उसका यूज करेंगे, ठीक इसके पहले जो कांस बताए थे उसका यूज करेंगे। तो इसे पहले आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।